बीपीएससी तैयारी के छात्रों के रिजल्ट का इंतजार धीरे धीरे अब खत्म हो रहा है। देखिए, हिंदी विषय के बाद मैथिली का भी रिजल्ट जारी हो चुका है। कहीं ना कहीं छात्र बहुत ज्यादा प्रतीक्षारत थे इस चीज को लेकर, और रिजल्ट अब आने शुरू हो चुके हैं। उम्मीद है कि रिजल्ट आज 12 बजे रात तक में सारे जो भी हायर सेकेंडरी के हैं वो प्रकाशित कर दिए जाएंगे 11वीं 12वीं के। बाकी क्या कुछ हो सकता है, देखिये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर भी बहुत छात्रों के सवाल हैं, उन सब चीजों को कि हमने गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया, अब क्या होगा, क्या 5% रिलैक्सेशन रिजल्ट में मिला है, ये भी जानेंगे। अभी हम देखिए मिशन 50 आईएएस की रजनीश सर के पास है, तो चलिए सर से बातें करते हैं और इन तमाम चीजों को जानते हैं। सर, रिजल्ट आ रहा है सर धीरे धीरे, छात्रों का जो सर सब्र था वो सब्र का बांध टूटे नहीं, इससे पहले रिजल्ट दे दिया गया। बिल्कुल, रिजल्ट जो उन्होंने प्रॉमिस किया था, एक दिन का मुझे लगता है देरी हुआ, उस प्रॉमिस के अकॉर्डिंग रिजल्ट आ गया। पहले हिंदी का आया, अब मैथिली का आ गया। हर घंटे रिजल्ट देखने को मिलेगा। हमारा मुस्कुराहट के लेवल से आप समझ सकते हैं और खुशी के लेवल समझ सकते हैं। हिंदी के बाद मैथिली में थोड़ी और खुशी बड़ी। 12 बजे रात तक हमारी खुशी का ठिकाना ना होगा, क्योंकि सारे बच्चे जो जिनको जिनको मैंने कहा था, जो भी जिन जो मैंने कट ऑफ बताया था, उसके अकॉर्डिंग जिनका जिनका स्कोर है उससे कम ही मेरिट गया, उससे ऊपर नहीं गया। सर, आपने जो कट ऑफ बताया था, सर हमें तो लगता है कि सर वो कट ऑफ तो हमें लगता है सर हाई न कर जाए, क्योंकि सर हिंदी में देखें तो आप सर जितने सीट थे उतने विद्यार्थी नहीं हो पाए। मैथिली का सर अभी आ रहा है 30% या फिर 40% सर मैक्सिमम कह लें तो रिजल्ट हो रहा है, सर इतने कम रिजल्ट हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सर रिजल्ट में तो ऐसा लग रहा है कि इसको देखते हुए आगे भी इसी तरह के आसार हो सकते हैं। बिल्कुल, सारे विषय में ही आसार होने की संभावना है। और अभी 150 के आसपास सीट मैथिली में था, मात्र 48 रिजल्ट आया है। इसका मतलब लोग कट ऑफ क्रॉस नहीं कर पाए, नहीं तो अगर मान लीजिए कट ऑफ क्रॉस करते तो जितना था सीट उतना रिजल्ट आता। इसका मतलब 48 बच्चों ने ही कट ऑफ क्रॉस किया, यानी जितनी सीटें थी 150 के आसपास, उतने बच्चे कट ऑफ भी बाहर, जो उनका पासिंग कैप की कट ऑफ मत बोलिए, पासिंग कैप को पार नहीं कर पाए, इसी वजह से रिजल्ट नहीं आया। तो सारे विषय में सोशल साइंस वाले ज्यादा डरे हुए हैं कि कहीं उसमें ज्यादा लोग हैं तो कहीं उसका मेरिट बढ़ेगा। बिल्कुल नहीं बढ़ेगा भाई, कट ऑफ मार्क्स से 4-5 नंबर आगे पीछे ही रहेगा। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। रिजल्ट जिस तरीके का आ रहा है विषयों के वाइज, विषय वाइज सीट फुल होना मुश्किल हो जाएगा यदि आप पासिंग मार्क्स क्रॉस नहीं करते तो। तो कहने का मतलब यह कि डर यहाँ पे जैसे कि थोड़ा सा यहाँ पर कंपटीशन कम था अगर कह ले तो, क्योंकि छात्र भी कम थे, लेकिन क्या लग रहा है सर कि इसी तरह का हाल 9th-10th और पीआरटी में, वो क्योंकि सर मोस्ट अवेटेड जो अभी चीज है वो सर पीआरटी का रिजल्ट है, और तो पीआरटी में सर आपको क्या लग रहा है कि कुछ वही होगा 9th-10th में? हेलो एस्पिरेंट्स, क्या आप भी बीपीएससी या यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं? तो पीडब्ल्यू ओनली आईएएस ने यूपीएससी सेगमेंट में सक्सेसफुली 1 ईयर कंप्लीट करने के उपलक्ष्य में आप सभी स्टूडेंट्स के लिए लेकर आया है सभी बैचेस पर स्पेशल ऑफर। पहला है सक्षम बैच 470 बीपीएससी, जो कि अपने रेगुलर प्राइस 4499 की जगह सिर्फ 3499 मिल रहा है। दूसरा है प्रथम बैच फॉर यूपीपीसीएस 2024, जो कि 4499 की जगह सिर्फ 3499 में मिल रहा है। और तीसरा है सक्षम 4.0 बैच फॉर यूपीपीसीएस 2024, जो कि 4499 की जगह सिर्फ 3499 मिल रहा है। चौथा है समीक्षा 2.0 बैच फॉर यूपीपीसीएस आरओएआरओ, जो कि 1299 की जगह सिर्फ 1199 मिल रहा है। और पांचवा है सचिव एपीएस बैच फॉर यूपीपीएससी एपीएस, जो कि 899 की जगह सिर्फ 799 मिल रहा है। और अगर इन सभी बैचेस को अवेल करते टाइम आप हमारा कोड ON500 यूज करते हैं तो आपको मिलेंगे एक्स्ट्रा डिस्काउंट। इन सभी बैचेस में आपको पी से लेकर मेंस तक के सारे सिलेबस कवर किए जाएंगे। इसके अलावा मिलेंगे आपको कुछ स्पेशल फीचर, जैसे इंडिया के टॉप एजुकेटर से लाइव लेक्चर, डीपीपी एंड क्लास नोट्स, स्टडी मटेरियल, पीवाईक्यू एनालिसिस। तो जल्दी कीजिए और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अपने अप्रोप्रिएट बैच को अवेल कीजिए, क्योंकि ये ऑफर सिर्फ 19 अक्टूबर तक है। बिल्कुल वही होना है, बिल्कुल वही होना है। कुछ कैटेगरी में तो बिल्कुल उनको कुछ कैटेगरी का सीट नहीं फुल होगा, कुछ कैटेगरी का ऐसा होगा कि उनका सीट ही फुल नहीं होगा, कुछ कैटेगरी में सीट फुल हो जाए। वो भी सीट फुल होगा 55, 60, 70 नहीं, 50। अब जिस तरीके का रुझान आ रहा है, मुझे तो लगता है 50 जिनका बॉयज में है, बॉयज जनरल 50 मार्क्स, वो भी श्योर है, समझिए जैसी स्थिति है। अब कुछ कैटेगरी में तो जो पासिंग कैप है उस पर रिजल्ट होने जा रहा है, इसलिए पीआरटी के बच्चे जो पास हैं अपने कैप के ऊपर हैं, सभी लोग रिजल्ट का इंतजार करें, क्योंकि जो स्थिति मैं देख रहा हूँ, ठीक है यहाँ पर जितने सीट थे उतने बच्चे नहीं थे, मैं मानता हूँ इस बात को कि इस वजह से हो सकता है कि नहीं लोग पास कर पाए, लेकिन पीआरटी में भी बहुत ज्यादा अगर मेरिट जाता है तो 50, अब जिस तरह का लग रहा है मुझे 50 भी क्रॉस नहीं करेगा बॉयज में। अब गर्ल्स में तो 45 चला जाए जनरल गर्ल्स का, वो भी हो सकता है, लेकिन हताश उदास होने की जरूरत नहीं है। मुझे खुशी इस बात का है कि मैंने जो कट ऑफ बताया था, जो अनुमान लगाया था बच्चों के रुझान के हिसाब से, आपके सामने भी दिया था मैंने इंटरव्यू, तो उसके उससे नीचे ही जा रहा है, उससे ऊपर नहीं जा रहा है। अच्छा सर, 5% रिलैक्सेशन की जो बात की गई थी कि हम पासिंग मार्क्स का जो कैप है उसे भी नीचे लाएंगे, सर लग रहा है कि वो नहीं हो पाएगा? मुझे लगता है पीआरटी में वो करेंगे, पीआरटी में 5% रिलैक्सेशन करेंगे,
क्योंकि पीआरटी का टीआरई2 में सीट नहीं है। इसका मतलब उनका पूरा इरादा है कि जो सीट है उसको भर लेना है। पीआरटी का सीट टीआरई2 में नहीं है, तो उनका इरादा है कि हमें 75% नहीं बल्कि पूरा का पूरा सीट हमको उसको फुलफिल कर लेना है। अच्छा, पीआरटी में 5% मिलेगा, तो मुझे लग रहा है कुछ कैटेगरी का सीट यदि फुल नहीं होगा तो पूरे हर कैटेगरी को मिले चाहे न मिले, जिन कैटेगरी में सीट फुल होगा वहां पर हो सकता है उस कैटेगरी के लिए 5% का रिलैक्सेशन देकर उनको वहां पर भरवा दिया जाए। अच्छा सर, अभी जैसे रिजल्ट आ रहे हैं तो सीट भी फुल नहीं हो रहा, तो क्या लग रहा है सर कि बीपीएससी TRE 2.2 में इस सीट को ऐड कर दिया जाएगा? देखिए, दो संभावना है, या तो वेटिंग लिस्ट करके बाद में कुछ लोगों को रिजल्ट दे दे, पर मुझे संभावना इसकी कम लग रहा है। जो सीटें बच जाएंगी TRE 2 में ऐड होगा, इसीलिए TRE 2 का नोटिफिकेशन 19 तारीख को आना था। मुझे नहीं लगता 19 को आएगा, ये पूरा रिजल्ट देने के बाद जब फाइनल रिजल्ट आ जाएगा तब उसका नोटिफिकेशन आएगा, ताकि जो सीटें बच जाएंगी उसको ऐड करके दे। तो जो 70,000 सीटें थी मुझे लगता है वो 1,00,000 से पार करेगा हर कैटेगरी में। जैसे 11-12 में तो जिस तरीके हालत है, अब 18,000 सीट नहीं रहेगा वहाँ TRE 2 में, 18,000 नहीं बल्कि वहां पर उनका 50,000-60,000 सीट रहेगा 11-12 में, ऐसा मुझे TRE 2 में। PRT वाला रिजल्ट का, PRT का जो रिजल्ट है मुझे लगता है कि थोड़ा, अतुल प्रसाद सर ने कहा है कि इसमें लेट होगा, लेट मतलब 3-4-5 दिन का लेट होगा। क्यों लेट होगा इसके पीछे मुझे वजह लग रहा है, क्योंकि बीपीएससी खुद और शिक्षा विभाग खुद सुप्रीम कोर्ट गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने 20 तारीख को डेट दिया हियरिंग का, तो हो सकता है उनको आशा हो कहीं बीएड वाले को शामिल करे, सुप्रीम कोर्ट कुछ उसके फेवर में दे दे, चूंकि लोग बीएड के फेवर में गए थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि 20 तारीख के डिसीजन को रोक के कारण रोक दिया हो, 20 के बाद 21 या 22 को या 20 को रात में भी रिजल्ट हो, तैयार होगा रिजल्ट, बस डिसीजन को लेकर रुके हुए हैं। 19 को भी दे सकते हैं, लेकिन ज्यादा चांस है कि 20 को रात या 21 को रिजल्ट दें पीआरटी का। सर, कहीं ना कहीं बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जिनके डॉक्यूमेंट में सर बहुत, यानी कि अपलोड करने में गलतियां हो गई थी या फिर बहुत सारी गलतियां, सर आपको भी बहुत सारे कॉल आ रहे होंगे मैसेज। आज मेरे पास बहुत कॉल आए हैं कि सर मेरे डॉक्यूमेंट गलत अपलोड हो गए, मुझे अच्छे मार्क्स आ रहे, अब क्या होगा सर, रिजल्ट आने वाला है। तो बिल्कुल, प्राइमरी वेरिफिकेशन था जो अपलोड आपने कर दिया, मान लीजिए कुछ ने कहा कि सीटेट का था तो मैंने आधार कार्ड अपलोड कर दिया उस जगह पर, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जब फाइनल वेरिफिकेशन रिजल्ट के बाद होगा तो जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है आपको गजटेड अधिकारी से करवा को मांगेंगे या फिर सेल्फ अटेस्टेड करके मांगेंगे, जैसे वो मांगेंगे नोटिफिकेशन जारी करेंगे। वैसे अगर सेल्फ कहेंगे तो सेल्फ अटेस्टेड लिख के अपना साइन करके डेट लिख करके ले जाइएगा, या फिर गजटेड ऑफिसर से कहेंगे तो उनसे करवा के ले जाइएगा। यदि वो डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है या फिर कुछ गलती नामुमकिन है, ज़्यादा बड़ा गलती है, तो आप सिविल कोर्ट के फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से आप एफिडेविट बनवा कर वहाँ प्रस्तुत करिएगा। बिल्कुल चिंता न करें यदि गलत अपलोड हो गया है तो, यदि आप जेन्युइन है, आपके पास वो डिग्री है, आप उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं, तो आपका रिजल्ट रुक नहीं रहा है और आपका रिजल्ट होगा। चिंता एकदम नहीं करना है, रिजल्ट आएगा और जो नोटिफिकेशन देगा उसके अकॉर्डिंग आप काम करके वहां जाइएगा। इस अपलोड डॉक्यूमेंट से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। गलत डॉक्यूमेंट्स के लिए घबराएं? घबराएं नहीं, बिल्कुल नहीं घबराएं। यही होगा कि उन कहेंगे जिनका जिनका रिजल्ट हुआ है गलत अपलोड किए हैं, तो आप लोग अपना सही डॉक्यूमेंट लेकर के आ जाइए, अगर उसमें भारी गलती है तो एफिडेविट वाला समाधान है वो कर दें। तो बाकी बिल्कुल चिंता न करें, हमारी शुभकामनाएं हैं कि आगे आने वाले सभी रिजल्ट में हमारे जितने बच्चे हैं सबका सपना माता रानी पूरा करें। नवरात्र का समय चल रहा है, बस आपके चैनल के माध्यम से मैं कहूंगा कि उनका सबका सपना पूरा हो जाए। बिल्कुल, और मैं ये कहना चाहूंगा आपसे कि अगर आपको कोई भी डाउट हो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, तो मैं सर का व्हाट्सएप नंबर पिन कर दे रहा हूँ। सर, कर दूं? कर दीजिएगा, मेरा व्हाट्सएप नंबर आप पिन कर दीजिए, मुझे स्वयं व्हाट्सएप करके बच्चे पूछ सकते हैं, मैं उसको जैसे टाइम मिलेगा उनको सबका रिप्लाई कर दूंगा। बिल्कुल, सर का मैं व्हाट्सएप नंबर पिन कर दे रहा हूँ, आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा और आप वहाँ सर से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। बाकी आप कमेंट बॉक्स में भी लिखिए कि क्या अभी के माहौल को देखते हुए कि इतने कम रिजल्ट हो रहे हैं, तो पीआरटी के अंदर क्या आप छात्र हैं, 9th के अंदर हैं, आप अगर पासिंग मार्क्स ला रहे हैं तो क्या आप टीचर बनने जा रहे हैं? अपनी खुशखबरी आकर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलेंगे आपसे एक और हेल्पफुल सेशन में। जय हिंद।